हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नवनीत राय, एंड दिस वीडियो फॉर सोनी अल्फा यूजर्स। चाहे आपके पास फुल फ्रेम कैमरा हो सोनी का या फिर क्रॉप बॉडी कैमरा हो सोनी का, अगर आप अपने कैमरे के साथ एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करना पसंद करते हैं तो इस वीडियो में और इसके आगे आने वाले कुछ वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल फोन को या अपने लैपटॉप को या फिर अपने स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी को एज ए एक्सटर्नल मॉनिटर कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट शूट करना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना या फिर ऐसी यूट्यूब वीडियोस बनाना पसंद है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कि जब फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल को कैमरे से तो क्या क्या सेटिंग्स करना होगा। तो मोबाइल फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से इमेजिंग एज मोबाइल ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। सर्च इमेजिंग ऐप IMAGING इमेजिंग एज मोबाइल ऐप, ठीक है, ये सर्च कर लेना हमें। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसे इंटरफेस में आपको कर लेना है इसको इंस्टॉल। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सब आपको जाना है नेटवर्क में, नेटवर्क का जो इसमें तीन तीन दिया हुआ ना, तीन में से फर्स्ट में जाना है। फर्स्ट में जाके आपको सबसे पहले करना है यहाँ पे जो एरोप्लेन मोड है इसको कर देना है ऑफ, ठीक है, और फिर उसके बाद जाना है कंट्रोल वाया स्मार्टफोन, इसमें जाना है। इसमें जाके यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले ये देखिए ऑलवेज कनेक्ट को ऑन कर देना है, और ये बोलेगा इसमें ज़्यादा बैटरी जाएगी, इसको ओके कर लेना है, और फिर कनेक्शन में जाके ऐसा क्लिक करना है, ठीक है। ये हो गया, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया, इसको कर लेना ओपन। और उसके बाद कुछ सेटिंग्स आपको करनी होगी, जैसे ये एग्री प्लस के साइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे क्लिक करना है और वाईफाई को कर देना ऑन और ब्लूटूथ को ऑफ रखना है, ठीक है। आपका जहाँ पे ब्लूटूथ है ब्लूटूथ को ऑफ रखिए और वाईफाई को ऑन कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कैमरा कनेक्ट, यहाँ पे देखिए कैमरा कनेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके करना है, टर्न ऑन लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ योर स्मार्टफोन, यहाँ से लोकेशन इन्फॉर्मेशन को ऑन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये आया स्कैन QR कोड, डोंट शो अगेन, ओके वाइल यूजिंग द ऐप, ओके। अभी यहाँ से आपको कर लेना है ये देखिए इसको, यहाँ से कर लेना ओके, ठीक है। ये देखिए आपका कैमरा पूरा कनेक्ट हो गया आपके फ़ोन से। अभी यहाँ से आप देखिए यहाँ सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ये अभी मेरा कैमरा मूवी मोड पे है तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपका ये शटर दिखा रहा है, शटर को आप बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए ये शटर घट रहा है, ये देखिए ओके, यहाँ शटर हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए आपका अपर्चर आप अप डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से देखिए आप ISO को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और साथ में ही और यहाँ से देखिए वाइट बैलेंस का ऑप्शन देता है, यहाँ से आपको कौन सा वाइट बैलेंस रखना है। ये ऑटो वाइट बैलेंस पे अभी फ़िलहाल है, अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और साथ में ही आप यहाँ से रिकॉर्डिंग क्लिक करके आप कैमरे को देखिए यहाँ पर कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, साथ में कैमरे को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कट कर सकते हैं, कट करने के बाद अगर आपको फुल स्क्रीन में आपको चाहिए तो यहाँ से डिस्प्ले पे पर क्लिक करेंगे, और डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पूरा पूरा ये स्क्रीन आपके मोबाइल में ऐसा आ जाएगा। आप चाहिए तो इसको अपने फ़ोन कैमरे के ऊपर यहाँ से पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप जो है साथ साथ में ये
एक एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर से आपको डिस्प्ले मेनू ऐसे जाना है तो ऐसे यहाँ से आपको आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मेनू पे जा सकते हैं। और साथ में अगर मैं कैमरे को कर देता हूँ मैनुअल मोड पे, ये देखिए जब भी मैं कैमरे को मैनुअल मोड पे किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और बढ़ गए, जैसे कि आपका ये साथ में सेल्फ टाइमर जो होता है, टाइमर बढ़ गया जो फोटो क्लिक करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू शूटिंग सेटिंग है, या फिर ये मतलब आप किस पे रखना चाहते हैं, सिंगल शूट पे या फिर कंटिन्यू पे, तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब ढेर सारे ऑप्शंस आपको साथ साथ में मिल जाते हैं वहाँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप मेनू में जाना चाहते हैं तो मेनू में जाके आपको वाइट बैलेंस, ऑटो वाइट बैलेंस, सेल्फ टाइमर का काउंट शूटिंग सेटिंग एंड फ्लैश, वायरलेस फ्लैश, ये सारी सेटिंग्स आपको आपके फ़ोन में ही देखने को मिल जाएगी, कैमरे को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को अपने कैमरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सोनी कैमरे को अपने लैपटॉप के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द प्रोफेशनल शूट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने सोनी यूजर फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग।